पंजाबी संगीत की गल करा तो पंजाब की बुलंद आवाज, पंजाब का लेजेंड ते पंजाब का गीतकार ओ गवैया अमर सिंह चमकीला। चमकीला एक दौर सी ते अमर सिंह चमकीले की गल करांगे। अमर सिंह चमकीले दे आखरी पलां नूं किस तरह दर्शाया गया है उस बारे गलबात करांगे। होरां दी जदों मौत हुंदी है, डैथ हुंदी है, तां उस समें किस तरह दे हालात बने उस बारे भी तुहाडे नाल सांझा करांगे। ते नाल दी नाल ओ माड़ा समा बेहद दुखदाई पंजाब दे एक लेजेंड असी उस बारे गल करन जा रहे हैं, उस माड़े समय के उत्ते गल करन जा रहे हैं, बेहद दुखदाई घटना बारे गल करन जा रहे हैं। जदों अमर सिंह चमकीले होरां दा आखरी अखाड़ा सी, आखरी समा सी, उस बारे गलबात करांगे, उस बारे विचार करांगे, उस बारे उस घटना की चर्चा करांगे। बड़ा मन भावुक है इस बारे। आओ गल नूं सांझा करदे हां जो किताबां दे विच पढ़िया है, जो असी सोशल मीडिया तो पढ़े है उस बारे तुहाडे नाल साझा करांगे। पर बहुत दुखदाई है इस चीज़ नूं साझा करना, पर कह सकते हैं जानकारी होनी बेहद जरूरी है। तो आ जाओ फिर लै चलते हैं अमर सिंह चमकीला ते अमरजोत कौर होरां दा वो आखिरी वक्त तुहाडे नाल साझा करते हैं। लुधियाने की ट्रैफिक नूं चीरदी हुई कार जलंधर बाईपास लंघ के मुख सड़क उपर दौड़ती जा रही सी। फिर एक खब्बे पासे बने गेट तो तहसील फलोर दे पिंड मैसमपुर, दोस्तों अफसोस है मैं कह सकता शब्द नहीं मेरे को उस घटिया वक्त नूं, ते मैसमपुर वल जांदी सड़क वल मुड़ गई सी। पिंड कोल जाके उन्होंने पता पूछया तां कार उस राह वल तुर पई सी। किन्ना उजाड़ जिहा सिव्या वर्गा पिंड है, मेरा तां अज गाउण नूं दिल ही नहीं करदा, दिल करदा इत्थों ही मुड़ जाइए, घबराहट जी होई जांदी है ते कुटन भी होई जांदी है। अचानक अमरजोत दे मूहों निकल गया सी अखाड़े वाला घर पिंड तो बाहर खेतां विच सी। एक छोटी जी कच्ची सड़क ओ घर वल जांदी सी, उस घर तो कोई 100 गज हटवा व्याह वाला घर चहल पहल होण करके दूरों ही दिखाई दे रहा सी। घर कोल जाके चमकीले ने गड्डी रुकवा के गिर नूं अंदर भेज दिता सी तां कि ओ अंदर जाके सुनेहा लगा सके ते उन्हां दे पहुंच जाण दी इतलाह दे सके। घर वालियां ने एक बंदा गिर नाल भेज दिता सी के उन्हां दे सारी संगीत पार्टी दे ठहरन दा इंतजाम घर तो 500 गज दूर एक होर फार्म हाउस उपर कीता होया है। वो फार्म हाउस दे कोठे दे उत्ते खड़िया हो के सब कुछ दिखाई दिंदा सी। ड्राइवर रणजीत सिंह ने गड्डी तोड़ के उस फार्म हाउस नूं जांदे ही उस वल खब्बे नूं मोड़ दिता सी, जिथे जाके वही मुक्की। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਮੰਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਲਾ ਲੜਕਾ ਚਮਕੀਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਚਮਕੀਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਮਕੀਲਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਟੀਫਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਫੜੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਚਮਕੀਲਾ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਚਮਕੀਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਨੋਟ ਗਿਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਿਲ ਨੇ ਨੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਮਕੀਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਵਾਰ ਦਊਂਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।
चमकीला कह रहा सी। रिक्वेस्ट करनी सी लंगर विच आके प्रशादा जरूर छक लियो। वीरे मैं जरूर छकदा पर मेरी मजबूरी है वीरे, जे मैं उत्थे चला गया तो मेरे दुआले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उन्होंने मैनू छकन नहीं देना। चलो इत्थे ही भेज दिंदे हाँ, मेहरबानी वीरे, रोटी की कोई जरूरत नहीं, चाह जरूर भेज दियो। ठीक है भाजी, नाइस टू मीट यू, कह के कनेडा वाला मुंडा चला गया। थोड़ी देर बाद दो बंदे दो रोटियां वाले थाल लैके उपर आ गए सन। चमकीला अखां मीची पिया सी, थाल फड़े खड़े बोले, उठो चमकीला साहब प्रशादा छक लियो। थाल फड़ी खड़े जोगिंदर ने आवाज़ मारी, चमकीला उठ के बैठ गया सी। वीरे मैं मना कीता सी, लै जाओ तुसी, असी रोटी नहीं खानी। जोगिंदर उवें वापस मुड़ गया सी। चमकीले ने उसके मुड़े जाते का अफसोसिया जहा चेहरा देखा था। भज के पौड़ियां उतर रहे जोगिंदर की बांह फड़ गई सी। यार तू तो गुस्सा ही कर गया, असी खाने रोटी। चमकीला आके मंजे ते बैठ गया, उसने नाल दे मंजे ते पई अमरजोत नू उठाया सी। हाँ बबी, उठ लंगर का प्रशादा आया। जोगिंदर ने अपनी थाली चमकीले दे अगे कर दिती ते नाल आए मुंडे ने अपने हाथ विच फड़ी थाली अमरजोत दे अगे पेश कीती सी। ओ मुंडियो, तुसी भी छक लो रोटी, जे मरना पिया तो रोटी खा के तो मरांगे। चमकीला साजिया नू संबोधन कर रहा सी। होर किसी चीज़ की लोड़ पई तो दस देना, जोगिंदर ने आख्या सी। दाल बहुत स्वाद है, बस वीरे थोड़ी जी चाह बना ले आई, चमकीले ने फरमाइश की सी। जोगिंदर दे धीरा साजिया लई रोटी लैन चले गए सन। चमकीले होरां ने रोटी खा के भांडे मंजे दे हेठां रख दिते सन। चाह आ गई सी। पहली कुट परदिया चमकीले ने मालक नूं साउंड चैक करन लई ते स्टेज ते अनाउंसमेंट करन लई भेज दिता सी। दोपहर दे 1:25 हो चुके सन। पूरे 1:30 चमकीले ने सब नूं कहा सी कि चलो भाई 4 दा टाइम हो गया, चलिए। कुछ ही पलों विच चमकीले दे स्टेज उत्ते आउण दी घोषणा कर दित्ती सी। चमकीले ते अमरजोत कार दी पिछली सीट ते बैठ गए सन। गिल ते देबू मूहरे ट्रैफिक दे नाल वाली सीट उत्ते बैठ के सवार हो गए सन। लाल ते निहाला दोवें भरा पिछली सीट उत्ते बैठ गए सन। जदों गड्डी चलन लगी तां चाह लै के आया मुंडा, तीरा खाली भांडे लई जा रहा सी। चमकीले ने उसनू सलाह मारी, आ वीरे यार तू साडे नाल ही आ जा, असी इकट्ठे हो जाने आ। पहलां दी तरह बैठन लगा सी, फिर वह गड्डी भरी देख के रुक गया। नहीं वीरे तुसी चलो, मैं आउना। मणकू दोबारा चमकीले दे आउन दी सूचना दित्ती होण करके चमकीले दे इर्द गिर्द बहुत इकट्ठ हो गया सी। सारी सड़क दूर दूर तक भर गई सी, बंदे ते बंदा चढ़िया पिया सी। भीड़ नू चीरदी होई कार जाके ज्यों ही स्टेज दे सामने सड़क दे थोड़ा जिहा सज्जे पासे वल जाके रुकी तां सब तो पहला गिल कार चों निकल के स्टेज वल गया। देबू उसदे मगर लग गया सी। निहाला ते लाल भी सड़क वाले पासे उतर के कार दी डिग्गी विचों अपने साज कढ़न लग गए सन। चमकीला निकल के कार दे दूजे पासे चला गया ते खड़ के चादरा सूत कर लग पिया सी। अमरजोत अजे अपना पर्स चुकन ही लगी सी कि गड्डे दे पिछले पासे कोल कंबल दी बुकल मारी खड़े एक गोली ढोल विच निकल के लाल चंद दे मारी सी। गोली उसदे पेट दे नाल दी हुंदी होई उसकी बांह विच वज के दूजे पासे निकल गई सी। लाल दे लाल ने जद पिस्टल ताणी तां ओ ढोलक छड के भज गया सी। बारी खोल के ज्यों ही अमरजोत कार चों निकलन लगी तां अमरजोत दी छाती अते सिर विच गोलियां लगियां सन। अमरजोत दी चीख निकल गई सी। चीख सुन के चमकीला उस वल घूमया, की होया बब्बी तेनू? जदों चमकीले ने अमरजोत दे गोलियां वजियां देखियां तां उसनू सारा मामला समझदिया देर नहीं लगी। ज्यों ही चमकीले ने परत के देखिया तां कार दे मूहले पासे खड़े बड़ी बेरहिमी नाल खड़े चमकीले दे मूँह उपर AK-47 नाल गोलियां दी वर्खा करनी शुरू कर दित्ती सी।
उसने सारा मैग ही चमकीले दे मुंह उत्ते खत्म कर दिता जी। अजिहा कर चमकीले दा सुरीला गीत गाउण वाला मुंह सदा लई बंद करना चाहुंदे सी। चमकीला गोलियां लगदियां सार ही लुट लोट नी खा के कोल पईयां पाथियां उपर डिग गया सी। ए देख के हरजीत गिल जान छुड़ा के भज्जन लगा। खड़ होए तेनू कुछ नहीं कहंदे डरिया होया गिल खड़ गया सी। गिल दा बेजान शरीर पिछे नू डिग पिया सी ते उधर स्टेज दे खड़े माणकू दे पिछे 3 फुट उच्ची कंध टप के माणकू विआह वाले घर विच जा के लुक गया सी। लोकां विच जान बचाउण लई हाहाकार मच गई सी ते हफड़ा दफड़ी मच गई सी। लोकां ने जिधर नू राह होया उधर नू भजना शुरू कर दिता सी। उन्हां ने निहत्ते कलाकारां ते गोलियां मार के कोई वड्डी जंग नहीं जित्ती। वैसे जंग तां इह सी पर दुनिया दी सब तो अनोखी जंग जिस विच इक पासे साज सन दूजे पासे संगीत एक पासे लोकां दीआं फरमाइशां पूरियां करन वाली 2-3 घंटे अपना संग पाड़ के ते हाथ थका के रोटी रोजी कमाउण वाले गरीब मजदूर दूजे पासे एक संतालियां लईआं दे जोर ते मौत दे डरावे दे के पैसे उगराउण वाले इंसानियत हैवानियत दी जंग सी। इहो जिहा मनोरंजन करन वाला कलाकार ना विश्व दे इतिहास विच कदे पैदा होया सी ते ना ही भविख विच पैदा होवेगा। चमकीले दी आवाज़ तां सदा लई बंद कर दित्ती। सो दोस्तों इह इक बड़ा दुख भरिया अज किस्सा तुहाडे नाल सांझा कीता, पर इह वी जरूर तुहाडे नाल सांझा करना बनदा सी क्योंकि अक्सर अमर सिंह चमकीला होरां दे गीत तुसी सुणदे हो, बेहद प्यार दिंदे हो चमकीला अमरजोत कौर होरां दी जोड़ी नूं। अज भी उस तरह सुणदे हो जिद्दां 35 वरिया पहला सुणदे सी, पर उन्हां दी आखरी स्थिति नूं मैं सोचिया कि तुहाडे नाल जरूर सांझा करिए। आओ एक बार फिर तो तुहाडे तों इजाजत मंगदे हां ते हमेशा तुहाडे नाल इस तरह वख-वख वीडियोस वख-वख कह सकते हैं जानकारी तुहाडे नाल सांझी करते रहांगे। हुण लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।